नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के 12th क्लास की बहुत ही अच्छी कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, मतलब एक ज्योतिष का दिन। इसे लिखा है आर के नारायण ने। इनका पूरा नाम राशिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण है, जो मालगुडी डेज कहानियों के लिए फेमस हैं। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 13 मई 2001 को। द गाइड नॉवेल पर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। पंक्चुअली एट मिड डे, नियमित रूप से दोपहर के वक्त, ही ओपन्ड हिज बैग, वो अपना बैग खोलता था एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, और अपने व्यावसायिक उपकरणों को फैला करके रख देता था। विच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कौड़ी सेल्स, जिसमें करीब एक दर्जन भर कौड़ियाँ होती थी। ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक वर्गाकार कपड़ा होता था। विद ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, जिस पर अस्पष्ट कुछ रहस्यमय चार्ट बने होते थे। ए नोटबुक, साथ में एक नोटबुक रखता था। एंड ए बंडल ऑफ पालमायर राइटिंग, और ताड़ के पत्तों की लेखनी की एक गट्ठर रखता था। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. उसका माथा पवित्र राख और सिंदूर से दमकता रहता था। And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam. और उसकी आंखें तेज तथा असामान्य चमक लिए हुए होती थी। Which was really an outcome of a continuous searching look for customers. जो लगातार आते जाते अपने ग्राहकों को तलाश करती रहती थी। बट विच इज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी प्रोफेटिक लाइट, लेकिन उसके सीधे साधे ग्राहकों को जब भविष्य संबंधी ज्ञान प्राप्त हो जाता था एंड फेल्ड कंपोर्टेड, तो वे सांत्वना पा करके वहाँ से चले जाते थे, यानी खुश होकर के चले जाते थे। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड बाई देयर पोजिशन, उनकी स्थिति पर उसकी आंखों की शक्ति और अधिक बढ़ जाती थी। प्लेस्ड एज देवर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, जो आँखें उसकी रंगे किए हुए माथे के बीच में होती थी। एंड द डार्क विस्कर्स, और उसकी बड़ी बड़ी गलमुच्छे, विच स्ट्रीम डाउन हिज चीक्स, जो उसके गालों तक फैली रहती थी। इवन हाफ बिट्स आइज वुड स्पार्कल इन सच सेटिंग, यहाँ तक कि उसकी आंखों की आधी बुद्धि उसके ऐसे ही सेटिंग पर निर्भर करती थी जो उसने अपने माथे और सिर पर सेटिंग बना रखी थी, चीज़ें स्थापित कर रखी थी। टू क्राउन द इफेक्ट, ही वाउंड ए सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड, और अधिक प्रभावशाली होने के लिए वह अपने सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी बांधता था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, ये रंग योजना कभी असफल नहीं हो सकती थी। द पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मस और डेलिया स्टार्स, लोग तो उसकी तरफ ऐसे आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खियाँ कॉस्मस या डहलिया के फूलों के गुच्छों की तरफ आकर्षित होती हैं। ही सेट अंडर द बॉस ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमरिन ट्री, वह विशाल फैले हुए इमली के वृक्ष के नीचे बैठता था। विच फ्लैंक्ड ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो रास्ता टाउन हॉल पार्क की तरफ जाता था। इट वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, ये स्थान कई प्रकार से एक विलक्षण स्थान था। ए सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, एक बढ़ता हुआ जनसमूह इस सक्रिय सड़क पर दिन भर प्रतिनिधित्व करता रहता था, लोग आते जाते रहते थे। मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक। ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, विविध प्रकार के विक्रेता एंड ऑक्यूपेशंस, व्यवसायी, वॉज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, पूरे दिन भर उस जगह का प्रतिनिधित्व करते रहते थे। जैसे मेडिसिन सेलर्स, दवाई के विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, चोरी किए गए वस्तुओं के विक्रेता, एंड जंक कबाड़िए, मैजिशियंस, जादूगर, एंड अबव ऑल, और इन सबसे पहले एन ऑक्शनर ऑफ चीप क्लॉथ, सबसे सस्ते कपड़े बेचने वाला, नीलामी करने वाला एक विक्रेता आता था। वो क्रिएटेड एनअप डिन ऑल डे, जो पूरे दिन भर इतना शोर करते रहते थे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, कि पूरा नगर उसी की तरफ आकर्षित होता था। नेक्स्ट टू हिम इन वोसी फ्रियोसनेस केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, और उसी के बगल में तेज आवाज लगाता हुआ भुनी हुई मूंगफली विक्रेता आता था। हु गेव इज वेयर ए फैंसी नेम इस डे, जो प्रत्येक दिन अपनी मूंगफली को एक आकर्षक नाम दिया करता था।
कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम, जैसे कहता था बॉम्बे की आइसक्रीम। वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड, एक दिन ये कहता था तो दूसरे दिन कहता था दिल्ली का बादाम। एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी, और तीसरे दिन कहता था राजा की नजाकत। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इस प्रकार से दिन पर दिन वह ऐसे नाम बदल बदल करके लिया करता था। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग झुंड के झुंड उसकी तरफ आकर्षित होते थे। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डैलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, और उस भीड़ का बहुत बड़ा हिस्सा उस ज्योतिष की तरफ भी आकर्षित होता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर व्हिच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाई। ज्योतिष रात के समय अपना धंधा चलाता था मसाल की रोशनी से, और वो मसाल जलती रहती थी पास में मूंगफली विक्रेता वाले के पास। हाउ द इंटेंटमेंट ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। इस स्थान का तो आधा आकर्षण इसी बात का था कि इस जगह पर नगर पालिका ने रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं की थी। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, फिर भी वो स्थान दुकानों की रोशनी से जगमगाता रहता था। वन आर टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक या दो के पास फुफकारती हुई गैस लालटेन थी। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, कुछ के पास नंगी मसालें थी जो बांस के लट्ठों पर बंधी रहती थी। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैंप्स, कुछ के पास पुराने चलन के दिए थे। एंड वन आर टू, एक या दो तो ऐसे थे लाइक द एस्ट्रोलॉजिस्ट ज्योतिष की तरह, मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, जो अपनी रोशनी के बिना ही काम चला लिया करते थे। इट वॉज बिवाइल्डिंग क्रिस क्रॉस लाइट रेज, इससे रोशनी की आड़ी तिरछी किरणें आती जाती रहती थी। एंड मूविंग शैडोज, और छाया चलती फिरती रहती थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, इससे ज्योतिष को बड़ा ही फायदा था। फॉर द सिंपल रीजन, इसके साधारण वजह ये थी दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगन लाइफ, कि जब उसने जिंदगी की शुरुआत की थी तब उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी वो ज्योतिष बनेगा। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिम इन नेक्स्ट मिनट, और उसको खुद भी नहीं पता था कि उसके स्वयं के साथ अगले मिनट में क्या होने वाला है। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, नक्षत्रों के प्रति वह उतना ही अनभिज्ञ था एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, जैसे कि उसके सीधे साधे ग्राहक अनभिज्ञ होते हैं। एट इज सैड थिंग्स, फिर भी वो ऐसी बातें कहा करता था विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिस्ड एवरीवन, जो हर किसी को खुश कर देती थी और आश्चर्यचकित कर दिया करती थी। दैट वॉज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, ये मामला था अध्ययन का, प्रैक्टिस अभ्यास का, एंड स्ट्रीट गेस वर्क, और चालाकीपूर्ण किए गए अनुमानित काम का। ऑल द सेम, ठीक इसी प्रकार से इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर, किसी अन्य व्यक्ति की तरह एक ईमानदार व्यक्ति की तरह वो भी परिश्रम किया करता था। एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ ए डे, दिन के समापन पर जो भी धनराशि घर पर लेके जाता था उस मजदूरी का वो हकदार भी होता था, क्योंकि दिन भर वहाँ पर बैठा रहता था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, उसको तो अपना गांव छोड़ना पड़ा बिना किसी पूर्व तैयारी के या बिना किसी पूर्व विचार के। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, अगर वो वहीं पर बना रहता, ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, तो अपने पूर्वजों के लिए काम कर रहा होता, नेमली उनके नाम के लिए, टिलिंग द लैंड, खेतों की जुताई करता, लिविंग वहीं रह रहा होता, मैरिंग शादी होती, एंड रायपनिंग इन हिज कॉर्न फील्ड, और अपने पके हुए फसल को काटता। एंड एंसेस्ट्रल होम, और सबसे बड़ी बात तो ये थी वो पैतृक घर में होता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन वो तो होना ही नहीं था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसको तो अपना घर छोड़ना पड़ा बिना किसी को बताए हुए। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 miles, और तब तक नहीं रुका जब तक कि अपने गाँव से 200 मील की दूरी पर नहीं पहुँच गया। टू ए विलेजर इज ए ग्रेट, इट इज ग्रेट डील, किसी गांव वाले के लिए बहुत लंबी दूरी है। एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन, जैसे बीच में कोई महासागर बहता हो। ही हैड वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल, वह मनुष्य के तकलीफों की विश्लेषण किया करता था। मैरिज, जैसे शादी के संबंध में बात करता था। मनी, धन के बारे में बताता था। एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और मानव जीवन की गुत्थियों को सुलझाता था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, लंबे अभ्यास ने उसकी बुद्धि को और अधिक तेज कर दिया था। विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वॉज रॉन्ग, 5 मिनट में ही वो समझ लेता था कि सामने वाले में क्या क्या कमी है, क्या उसको बताना है।
ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के पूछने पर वो 3 पाई वसूलता था। नेवर ओपन इज माई माउथ, वह कभी भी अपना मुंह नहीं खोलता था, टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब तक कि दूसरा व्यक्ति अपने बारे में करीब 10 मिनट तक बता नहीं देता था। विच प्रोवाइडेड हिम विद इनफ स्टेप फॉर ए डजन आंसर, जिससे कि उसको दर्जनों उत्तर मिल जाते थे एंड एडवाइस और सलाहें मिल जाती थी। वेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, जब वो सामने वाले व्यक्ति को बताता था, गेजिंग एट इस पाम, उसकी हथेली को देखते हुए, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स, कई प्रकार से तुम्हें तुम्हारे किए गए प्रयासों का उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा है। 9 out of 10 वर डिस्पोज टू एग्री विद हिम, 10 में से 9 आदमी तो उसकी बात मानने को तैयार हो ही जाते थे। आर यू क्वेश्चन, या फिर उनसे प्रश्न करता था, इज देर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई औरत है। मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, हो सकता दूर के रिश्तेदार हो। हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, जो आपके प्रति उदारवादी नहीं होती। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, या फिर चारित्रिक विश्लेषण किया करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, आपकी बहुत सारी तकलीफें आपके भाव की वजह से। हाउ कैन यू बी अदरवाइज बी सैटर्न हुयर इज, और किस तरह से आप शनि ग्रह से बच सकते हैं। यू हैव एन इम्पीचुअस नेचर, आपका चंचल स्वभाव है, एंड रफ एक्सटीरियर, बाहर से भद्दे स्वभाव के दिखते हैं। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, ये बात उनके सुनने वालों को तुरंत ही पसंद आ जाती थी। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, क्योंकि हम में से बहुत कम लोग ये सुनना पसंद करते हैं कि वो बाहर से कठोर नहीं है। अब जो टॉपिक दिया गया है, एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, ज्योतिष का दिन, आखिर वो कौन सा दिन था, क्या उस दिन खास हुआ था, उस पर अब कहानी शुरू हुई है। अब तक उसकी दैनिक चीज़ों के बारे में बताया है। द नट वेंडर ब्लू आउट इज फ्लेयर, मूंगफली विक्रेता ने अपनी मसाल को बुझा दिया, क्योंकि इसी मसाल की रोशनी से ज्योतिष भी अपना धंधा चलाता था। एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए खड़ा हो गया। दिस वॉज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, इससे ज्योतिष को भी संकेत मिल गया कि वो भी अपना सामान पैक करे। सिंस इट लेफ्ट हिम डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर द लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, क्योंकि अब उसके पास अंधेरा हो गया था सिवाय एक हरे प्रकाश की किरण के, विच स्ट्रेज इन फ्रॉम समवेयर, जो किसी दूसरे की दुकान से रोशनी आ रही थी। एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, और आकर के ज्योतिष के सामने की जमीन तक स्पर्श कर रही थी। ही पिक्ड अप हिज कौरिसस, ज्योतिष ने भी अपनी कौड़ियाँ उठाई, एंड पैराफर्नेलिया, और उससे संबंधित उपकरण उठाए, वस्तुएं उठाई, एंड वॉज पुटिंग देम बैक इंटू हिज बैग, और वो सामान अपने बैग में रखने ही वाला था। वेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट, तभी हरे प्रकाश की किरण अवरुद्ध हुई। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, और देखा एक आदमी उसके सामने खड़ा हुआ है। ही सेंस्ड ए पॉसिबल क्लाइंट, उसने अनुमान लगा लिया कि शायद ये उसका ग्राहक बन सकता है। एंड सेड, और ज्योतिष उससे बोला, यू लुक सो केयरबॉर्न, आप तो बड़े चिंतित लगते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए व्हाइल एंड चैट विद मी, ये आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप मेरे पास थोड़ी देर के लिए बैठे, मुझसे बात करें। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली, दूसरे कुछ अस्पष्ट उत्तर बड़बड़ाए। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, ज्योतिष ने अपने आमंत्रण पर जोर दिया। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, तभी दूसरे ने अपनी हथेली को ज्योतिष की नाक के नीचे ठूंस दी, सेंग ये कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को ज्योतिष कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ड चैलेंज, ज्योतिष को लगा कि जैसे ही आदमी उसको चुनौती दे रहा है। एंड सेड, बोला, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवार्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, उस आदमी की हथेली को हरे प्रकाश की किरण की तरह मोड़ते हुए। योर्स इज नेचर, तुम्हारा तो स्वभाव ही, और ये अनुमान उसने इसलिए लगा लिया क्योंकि जो उस अजनबी ने कहा तुम अपने आप को ज्योतिष कहते हो, इससे समझ गया कि इसका स्वभाव कुछ रफ टाइप का है। तो उसने कहा आपका तो स्वभाव ही, ये बात खत्म भी नहीं कर पाया तब तक दूसरा आदमी बोल पड़ा, ओ स्टॉप दैट, अरे रुको। द अदर सेड, दूसरे का, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ काम की बात बताओ। अवर फ्रेंड फेल्ड पिक्ड, लगता है हमारे मित्र को कुछ नाराजगी हो गई है। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन, मैं प्रत्येक प्रश्न के पूछने पर 3 पाई लेता हूँ। एंड वाट यू गेट आर टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, और जो भी मैं बताऊँगा वो आपको लगेगा कि आपके धन की कीमत वसूल हो गई है। एट दिस द अदर विड्रॉ हिज आर्म, इस बात से दूसरे ने अपनी हथेली को वापस खींच लिया। टुक आउट एन आना, जेब से एक आना निकाला। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम सेइंग, ये कहते हुए उसकी तरफ उछाला, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, पूछने के लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं।
इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, अगर मैंने ये साबित कर दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, तो आपको वो आना मुझे ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, अगर तुम्हें मेरे उत्तर संतुष्ट कर दें, विल यू गिव मी 5 रुपीज, तो क्या तुम मुझे 5 रुपया दे दोगे? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनर्स, या कम से कम 8 आना तो दोगे? ऑल राइट, ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग, अगर मैंने साबित कर दिया कि तुम गलत हो तो तुम दिए गए धन का तुम्हें दोगुना धन वापस करना पड़ेगा। सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने कहा। दिस फैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट, ये समझौता दोनों के बीच में तय हो गया कुछ और अधिक तर्क वितर्क करने के बाद में। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अ प्रेयर टू हेवन, ज्योतिष ने स्वर्ग की तरफ, आसमान की तरफ मुंह करके कुछ प्रार्थना की। एज द अदर लेटेस्ट सिरूट, तभी दूसरे ने अपनी चिलम जलाई। द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट, माचिस की रोशनी से उस ज्योतिष ने उस अजनबी के चेहरे की एक झलक पाली। देयर वॉज ए पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा क्योंकि सड़क पर कारें आवाज करने लगी थी। जुटका ड्राइवर सोर एट देयर हॉर्सेस, तांगा चालक अपने घोड़ों को रोक करके खड़े हो गए थे। एंड द बबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, और उस भीड़ भाड़ की वजह से उस पार्क में थोड़ी देर के लिए अंधेरा सा छा गया। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज सिगरेट, दूसरा बैठा रहा अपनी चिलम पीता रहा। पफिंग आउट सैट देयर रूथलेसली, धुआं निकालता हुआ बेहूदे ढंग से बैठा हुआ था। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, अब ज्योतिष को बड़ी बेचैनी हो रही थी। हेयर टेक योर आना बैक, ये अपना आना वापस लीजिए। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंज, मैं ऐसी कोई चुनौती स्वीकार नहीं करता हूँ। इट इज़ लेट फॉर मी टूडे, आज मुझे घर के लिए देर हो रही है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, फिर से उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। द अदर हेल्ड इज रिस्ट, दूसरे ने उसकी कलाई को पकड़ लिया एंड सेड, बोला यू कॉन्ट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन व्हाइल आई वाज पासिंग, जब मैं यहाँ से निकल रहा था तब तुम्हीं ने मुझे बुलाया था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, ज्योतिष तो उसकी पकड़ में कांपने लगा। एंड हिज वॉइस शूक, उसकी आवाज में कंपन होने लगा। एंड बिकेम फैंट, मूर्छित सा होने लगा। लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूंगा आके। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस, दूसरे ने अपनी हथेली को उसके चेहरे के नीचे ठूंसा एंड सेड, बोला चैलेंज चैलेंज, चुनौती चुनौती होती है, गो ऑन, चलो शुरू करो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, ज्योतिष को लगा जैसे उसका गला सा सूखा जा रहा है। देयर इज वुमेन, तुम्हारी जिंदगी में एक औरत है, इस तरह से उसने कुछ कॉमन बात बतानी शुरू की। स्टॉप, ठहरो, सेड दादा, दूसरे का, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मैं ये कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, क्या मैं वर्तमान तलाश में कामयाब होऊंगा या नहीं? आंसर दिस, इस बात का जवाब दो एंड गो, और तुम जा सकते हो। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइंस, जब तक तुम सारे सिक्के उगल नहीं दोगे। द एस्ट्रोलॉजर म्यूटेड ए फ्यू इनकैंटेशंस एंड रिप्लाई, ज्योतिष ने कुछ मंत्र बड़बड़ाए और जवाब दिया। ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा। बट विल यू गिव मी ए रुपी, लेकिन क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग, अगर मैं तुम्हें सांत्वना देने वाला जवाब दूं। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, वरना मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक, तुम जो भी करना हो कर लो। आफ्टर गुड डील ऑफ हैगलिंग, काफी अधिक मोल भाव करने के बाद, द अदर एग्रीड, दूसरा इस बात के लिए सहमत हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिष ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुम्हें एक बार मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? आ, टेल मी मोर, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, और बताओ। ए नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस, तुम्हारे पेट में एक बार छुरा भोंक दिया गया था, सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष ने कहा। गुड फेलो, बहुत बढ़िया। ही बेयर्ड हिज चेस्ट सो द स्कार, घाव को दिखाने के लिए उस अजनबी ने तो अपनी छाती खोल दी। व्हाट एल्स, और क्या है? एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, और तब तुम्हें पास के ही खेत के कुएं में धकेल दिया गया था। यू वर लेफ्ट फॉर डेड, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड, अरे मैं तो मर ही गया होता। ए सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, अगर कोई राहगीर उस कुएं में झांक करना देख लेता। एक्सक्लेम्ड द अदर, उस दूसरे आदमी ने कहा। ओवरवेल्म्ड बाय एंथुसियाज्म, उत्साह से वो भाव विभोर हो गया। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, वो आदमी मुझे मिलेगा कहाँ? ही आस्क्ड क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी को भींचते हुए बोला। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले जन्म में, आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, उस ज्योतिष ने जवाब दिया।
ही डाइड 4 मंथ्स एगो इन ए फार अपटाउन, दूर कस्बे में उसकी मौत हो चुकी है 4 महीना पहले। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, अब तुम्हें वो आदमी कभी नहीं मिलेगा। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, दूसरा ये बात सुनकर के गुर्राया। द एस्ट्रो प्रोसीड, ज्योतिष ने और भी आगे जारी रखा, गुरु नायक यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम भी जानते हो। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, टेकन अबैक, स्तब्ध हो गया। एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, गुरु नायक जैसे मैं दुनिया भर की और भी बहुत सारी बातें जानता हूँ, लिसन केयरफुली टू व्हाट आई हैव टू से, अब ध्यान से सुनो जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ। योर विलेज इज 2 डेज जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तुम्हारा गांव यहाँ से उत्तर दिशा में 2 दिन की दूरी पर है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगली रेलगाड़ी पकड़ो, एंड बी गॉन, चुपचाप घर चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, एक बार फिर से मुझे तुम्हारी जिंदगी में बड़ा खतरा दिखाई पड़ रहा है। इफ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम घर से बाहर निकले। ही टुक आउट ए पिंच ऑफ सेक्रेड एयर, उसने चुटकी भर पवित्र राख ली, एंड हेल्ड इट टू हिम, और उस अजनबी को थमा दी। रब इट ऑन योर फोरहेड, इसको अपने माथे पर रगड़ लो, एंड गो होम, और घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथ वर्ड अगेन, और दक्षिण दिशा में कभी यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और तुम 100 साल जिंदा रहोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं अब दोबारा घर क्यों छोड़ूंगा। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, दूसरे ने विचार करते हुए कहा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम, मैं तो जब कभी उसी की तलाश में निकल पड़ता। एंड टू चोक आउट इज लाइफ, और मैं तो उसकी जिंदगी को ख़त्म कर देता। इफ आई मेट हिम, अगर वो कहीं मुझे मिल जाता। ही शूक हिज हेड रिग्रेटफुली, दुखी होते हुए उसने अपना सिर हिलाया। ही हैज एस्केप्ड माई हैंड्स, वो मेरे हाथों से बच निकला। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व्ड, मैं तो आशा करता हूँ कि उसकी मौत वैसे हुई हो जैसे वो हकदार था। यस हाँ, सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष ने कहा। ही वॉज क्रश्ड अंडर लॉरी, वह एक ट्रक से कुचल कर मरा है। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरा ये बात सुनकर के संतुष्ट दिखा। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिकड अप हिज आर्टिकल्स, जब तक कि ज्योतिष ने अपना सामान पैक किया तब तक वो स्थान लगभग सुनसान हो चुका था, बहुत सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थी। एंड पुट देम इन टू हिज बैग, और वो सामान उसने अपने बैग में रखा। द ग्रीन शाफ्ट वॉज आल्सो गॉन, हरे प्रकाश की किरण भी बंद हो गई थी। लीविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, उस स्थान पर अब अंधेरा हो गया था, खामोशी छा गई थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू नाइट, अजनबी भी रात के अंधेरे में कहीं पर चला गया। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइंस, और अजनबी को करीब मुट्ठी भर रेजगारी दे गया। इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग आधी रात हो चुकी थी। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब ज्योतिष घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, उसकी पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और जानना चाहा कि आज इतनी देर कैसे हुई। ही फ्लंग द कॉइंस एट हर, उसने वो सिक्के उसकी तरफ उछाल दिए। एंड सेड, बोला, काउंट देम, इसको गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने सारे सिक्के दिए। 12 and a half anas, 12.5 आने हैं। सी सेड, उसने कहा काउंटिंग गिनते हुए। सी वॉज ओवरवेल्ड, वो तो आज बहुत खुश थी। आई कैन बाय सम जैगरी, इससे मैं कुछ गुड़ खरीदूंगी, एंड कोकोनट टुमारो, कल कुछ नारियल भी खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज बिन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ, बच्चा कई दिनों से मिठाइयाँ मांग रहा था। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, मैं उसके लिए कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें बनवा लूँगी। द स्वाइन ने चीटेड मी, उस सुअर ने मुझे धोखा दिया है। ही प्रॉमिस्ड मी रुपी, उसने मुझे 1 रुपया देने का वादा किया था। सेड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष ने कहा। सी लुक्ड अप एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, यानी ज्योतिष की पत्नी ज्योतिष की तरफ देखा। यू लुक वरीड, तुम बड़े चिंतित लगते हो। व्हाट इज रॉन्ग, क्या हुआ है। नथिंग, कुछ नहीं। आफ्टर डिनर, भोजन करने के बाद, सिटिंग ऑन द पाइल, बिस्तर पर बैठने के बाद, ही टोल्डर, उसने उसे बताया, यानी ज्योतिष ने अपनी पत्नी को बताया। डू यू नो ए ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे, क्या तुम्हें पता आज मेरे ऊपर से बड़ा सा बोझ कम हो गया है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, अब तक मैं सोचता रहा था मैंने अपने इन हाथों से एक आदमी की हत्या की है। दैट वॉज द रीजन, यही वजह थी वाई आई रेन अवे फ्रॉम होम, कि मैं घर से क्यों भाग आया था। सेटल्ड हियर, यहाँ पर रहने लगा। एंड मैरिड, तुमसे शादी की। ही सलाइव, आज पता चला वो आदमी जिंदा है। सी गास, उसने लंबी सांस ली। यू ट्राइड टू किल, तुमने हत्या करने की कोशिश की। यस इन अवर विलेज, हाँ हमारे गाँव में। वेन आई वॉज स्लिंग गस्ट, जब मैं गंवार मूर्ख था। वी ड्रैंक, एक बार हमने खूब पी, गैम्बल्ड, जुआ खेला। एंड क्वेरल्ड बैडली वन डे, एक दिन बुरी तरह से झगड़ा किया। व्हाई थिंक इट अप नाउ, अब इसके बारे में क्यों सोचती हो।
टाइम टू स्लीप सोने का वक्त है, ही सेड, यानी कि उसने जगाई लेते हुए कहा, एंड स्टेज हिमसेल्फ ऑन द पायल, और बिस्तर पर लेट गया। तो ये थी कहानी ज्योतिष का दिन, यानी ज्योतिष की कहानी कुछ इस तरह से थी कि ज्योतिष जब जवान था, गांव में रहता था, तो एक बार अपने किसी साथी के साथ जिसका नाम गुरु नायक था, शराब पी, जुआ खेला, झगड़ा किया, और बाद में इस ज्योतिष ने गुरु नायक के पेट में चाकू मार दिया और पास के कुएं में धकेल दिया, और वहां से भाग आया, किसी को बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहा है, और यहाँ पर आकर के ज्योतिष का वेश धारण कर लिया और भविष्यवाणियां करने लगा। और आज संयोग से उसका वो साथी जिसको किसी राहगीर ने कुएं से बाहर निकाला, और जब वो ठीक हो गया तो अपने दुश्मन की तलाश में इधर उधर घूमने लगा, और आज संयोग से अपने दुश्मन के सामने आ चुका था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो अजनबी यानी गुरु नायक अपने दुश्मन ज्योतिष को पहचान ना सका, और इधर ज्योतिष ने अपनी ज्योतिष विद्या का फायदा उठाया। अजनबी को लगा कि जैसे ज्योतिष अपनी ज्योतिष विद्या की वजह से सब कुछ सही सही बता रहा है, और ज्योतिष इधर सब कुछ जानता ही था क्योंकि ये सारा किया धरा उसी का था, और आज से ज्योतिष को हत्या के भावना से भी आज़ादी मिल गई थी, और अपने दुश्मन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा भी पा लिया था उसने, क्योंकि उससे कह दिया कि कभी भी दक्षिण दिशा में यात्रा मत करना, क्योंकि एक बार तुम्हारी जिंदगी में फिर से खतरा है। तो ये थी कहानी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.